तो देखें कितना नज़ारा आता है, ज़बरदस्त। मुझे ये साइड देख के बड़ा मज़ा आ रहा है यार। तो आज हम इस कॉइन की माइनिंग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है, आप देख रहे हैं ज़करिया ज़ेडियो चैनल। तो दोस्तों आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो है क्वांटम कॉइन के बारे में, आज हम इसकी माइनिंग करेंगे। और सबसे पहले हम देख लेते हैं जी कॉइन मार्केट कैप में। तो दोस्तों इसका जो रैंक है वो 60 इसका रैंक है, ये 60 नंबर पर चल रहा है अभी। और इसकी जो प्राइस है $2.40 के करीब करीब इसकी प्राइस है। आज ये 4% ऊपर गया है ये कॉइन। तो अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं जी। जी दोस्तों देखें $2.40, और अगर हम स्तोशी में बात करें 23,000 स्तोशी में इसकी प्राइस है। और यहाँ पर दोस्तों इसकी मार्केट गैप है, यहाँ पर 24 घंटे का इसका वॉल्यूम है जो ट्रेड हो रहा है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई है ये, और यहाँ पर इसकी टोटल सप्लाई है, यहाँ पर दोस्तों इसकी मैक्स सप्लाई है। और ये आया है जी मई 25, 2017 को, अभी फ़िलहाल ये लो जा रहा है। अगर हम इसका टॉप हाई देखें तो यहाँ पर 83 बता रहा है, लेकिन 83 नहीं, ये $103 तक ये गया हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं जी ऑल टाइम हाई इसका है, यहाँ पर है जी $99, और इसका जी ऑल टाइम लो जो है वो है जी 0.77 सेंट्स। तो दोस्तों आज हम इस कॉइन को माइन करेंगे। ये माइनेबल नहीं है, लेकिन हम माइन करेंगे इसको अनमाइनेबल पूल से। तो दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे कॉइन हैं जो वहाँ पर लिस्ट हैं जो माइन नहीं होते, लेकिन हम उनको माइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमने मार्केट इसकी देखनी है तो यहाँ पर आप क्लिक करें, टॉप नंबर पर जा रहा है जी बाइनेंस पे, सबसे ज़्यादा इसकी ट्रेडिंग हो रही है, और बाकी है जी हिट BTC, OKX, और इस तरह काफ़ी सारी एक्सचेंज हैं जिन पर इसकी ट्रेडिंग हो रही है। अगर हम सोशल मीडिया पे जाके देखें जी, 5 घंटे पहले ये न्यूज़ आई है इनकी तरफ से, इन्होंने पोस्ट की है, और कहने का मतलब ये है कि इनकी जो है टीम है वो भी एक्टिव है और इस पर काम कर रही है। दोस्तों ये है इसकी साइड, साइड देखें मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर लेके जाते हैं अपना माउस तो देखें कितना नज़ारा आता है, ज़बरदस्त। मुझे ये साइड देख के बड़ा मज़ा आ रहा है यार। तो आज हम इस कॉइन की माइनिंग करेंगे। अगर आप पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर आपको खुद ही विज़िट करनी पड़ेगी इनकी जो साइट है। और यहाँ पर इनका सबसे नीचे आ जाएं तो ये इनका रोड मैप है, ठीक है। तो ये इन्होंने प्लान किया हुआ है। और बाकी दोस्तों हमें चाहिए वॉलेट माइनिंग स्टार्ट करने के लिए, तो आप यहाँ पर आ जाएं प्रोडक्ट पे, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे वॉलेट पे। तो मैंने पहले यहाँ पे खोला हुआ है, टैब को ओपन किया हुआ है, आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का जो है वॉलेट यानी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करेंगे तो ये काफ़ी टाइम लेता है, वॉलेट सारे काफ़ी टाइम लेते हैं, यानी वो सिंक होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, और जो हमारी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो तकरीबन 8 से 10 GB चला जाता है इसी में। और उसके बाद मोबाइल में आप इंस्टॉल करना चाहें तब वेबसाइट का जो वॉलेट है अगर वो आपने यूज़ करना है, तब अगर हार्ड ड्राइव में जैसे लेजर वगैरह हो वो अगर आपने यूज़ करना है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये वेब वाला ओपन किया हुआ है यहाँ पर जी, यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है। तो ये अकाउंट बनाना बिल्कुल ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता भी देता हूँ। तो यहाँ हम डायरेक्ट ही आ जाते हैं जी क्रिएट न्यू वॉलेट पे, आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे, आपने कोई भी यहाँ पे पासवर्ड डालना है, जैसा कि मैं फ़ालतू में ही कोई पासवर्ड डाल देता हूँ, मैंने फ़ालतू ही में पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया है और मुझे कोई याद नहीं, चले मैं काम करता हूँ, वैसे मैं याद करके डालता हूँ जी। मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया है, और ये वाली जो फ़ाइल है दोस्तों रिस्टोर करने के लिए आपका जो है वॉलेट, तो इसको आपने डाउनलोड कर लेना है ऐसे, और डाउनलोड करके इस फाइल को आपने रखना है अपने पास, ठीक है। और ये फाइल जो है आप यानी इसको डिलीट मत करना, और जो है गुम मत होने देना यानी कि, और इसको आपने एडिट भी नहीं करना। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये देखें यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखे हुए हैं, यानी इसको आपने एडिट भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना यानी कि, ठीक है। ये आपने फ़ाइल संभाल के रखनी है, ये जो वॉलेट है मैं वैसे रैंडमली बना रहा हूँ, ठीक है। और क्या करना है, यहाँ से आपने ये जो प्राइवेट की है इसको भी आपने कॉपी कर लेना, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये भी आपने संभाल के रखनी है। तो यहाँ पर आपका एड्रेस है जी, यहाँ पर आपका बैलेंस होगा और अनकन्फर्म बैलेंस होगा, ठीक है।
तो बस इतना सा ही काम है, यानी कि यहाँ पर अगर आप आएँ तो जी यहाँ पर आप यानी कि सेंड कर सकते हैं, यहाँ से आप रिसीव कर सकते हैं, तो यही चीज़ें हैं इसमें। और यहाँ पे आप दोस्तों मज़े की बात ये है, जो क्वांटम कॉइन है आप इसको स्टेक भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस कॉइन को स्टेक करते हैं तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन आप इसको स्टेक करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। यहाँ पर देखें, अगर आप यहाँ पर आएंगे ऑफलाइन स्टेकिंग, तो यहाँ पर जी ऐड करनी पड़ेगी डेलीगेशन, और हमारे वॉलेट में जो कॉइन होंगे हम इनको स्टेकिंग के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत कम प्रॉफिट है। फ़िलहाल तो हमारी वीडियो है जी माइनिंग पर, और अभी हम चलते हैं जी वॉलेट में। तो दोस्तों ये वाला एड्रेस है, आपने इसको कॉपी कर लेना है और इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। और पूल जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, हम ये पूल यूज़ करेंगे जी, अनमाइनेबल पूल है, और ये हमारा जो कॉइन है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो मेरी कार्ड की पावर है दोस्तों वो है जी 30 मेगाहैशेस। अगर मैं कार्ड से माइन करता हूँ तो मैं महीने में 11 कॉइन माइन कर सकता हूँ, यानी कि तकरीबन बन जाएंगे जी, अगर आप यहाँ पर आएँ, सॉरी यहाँ पर हम कैलकुलेटर पे जाते हैं जी, पेस्ट 11 जी, $26 बनेंगे। लेकिन आज ये प्राइस कम है, अगर ये अपने पुराने हाई को यानी कि क्रॉस कर लेता है, ब्रेक कर देता है, जैसा कि यहाँ पर ऑल टाइम हाई है इसका, यानी $100 समझ लें यार, और ये हमारा जो है जी 26 कॉइन डायरेक्ट बन जाएंगे जी $2600। तो ये कॉइन की जो कम्युनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसके ऊपर काम बहुत ज़्यादा हो रहा है इस कॉइन पर, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ वही कॉइन लेके आता हूँ यार जो गिरे हुए हैं, जैसा ये कॉइन बिल्कुल गिर गया है नीचे, और अगर ये ऊपर जाता है तो बाद में हमें कुछ प्रॉफिट भी हो सके। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपनी माइनिंग। तो मैं इसको करता हूँ क्लोज़, इसको भी मैंने क्लोज़ किया। तो दोस्तों यहाँ पर है जी सॉफ्टवेयर, मैंने पहले से ही इनको अपडेट करके रखा हुआ है। ये है CPU से आप माइनिंग कर सकते हैं इसकी, और आप GPU से माइनिंग कर सकते हैं, और आप GPU रिग से माइनिंग कर सकते हैं। तो अगर आप CPU से माइनिंग करेंगे तो यहाँ पर मैंने कोड को अपडेट किया हुआ है। यहाँ पर है दोस्तों हमारा एड्रेस, और यहाँ पर है जी हमारा रिग नेम, यानी आपका जो वर्कर नेम होगा, ठीक है। और हम इस जो ही इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हमारी जो माइनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको स्टार्ट करके दिखा भी देता हूँ जी, देखें मैंने जैसे ही क्लिक किया तो हमारी माइनिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। ये सेम टू सेम है जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया है, डोज कॉइन की माइनिंग सेम तरीक़ाकार है, सेम ही प्रोसीजर है, सिर्फ चेंज किया है तो मैंने इन कोड को चेंज किया है, इसमें वॉलेट एड्रेस चेंज किया है, एक जो है QTUM का कोड चेंज किया है, और तीसरे नंबर पर हमने अपना वर्कर नेम चेंज किया है, बाकी सेम टू सेम है। लेकिन मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि हर बंदे को तो पता नहीं होता ना कि यार जो हमने डोज कॉइन की माइनिंग की है, तो अगर हमने ये क्वांटम कॉइन की माइनिंग करनी है तो वही तरीक़ाकार होगा या वही सॉफ्टवेयर यूज़ होगा, तो इसलिए मैं अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ। इसका भी सेम ही तरीक़ाकार है दोस्तों, जैसे ही यानी आपकी माइनिंग स्टार्ट होती है आप इसको कॉपी करें, और आपने पूल पे चले जाना है जी, पूल है जी हमारा यहाँ पे। यहाँ पर आपने क्या करना है जी, यहाँ पे जी हमने इसको डाल दिया है जी, अभी हम सर्च करेंगे जी, अभी हमारा जो है वर्कर वो एक्टिव नहीं हुआ। और यहाँ पर दोस्तों जो है हमारा ऑटोमेटिकली जो पे आउट है वो है 0.68, यानी अगर हम इतना माइन कर लेते हैं क्वांटम कॉइन तो उसके बाद हमें ऑटोमेटिक पे आउट मिल जाएगा। अगर हम इसको ऑफ़ करना चाहें तो हम ऑफ़ भी कर सकते हैं, वैसे मेरी राय में इसको ऑफ़ कर देना चाहिए, जिस तरह आप माइन कर लें 1 2 4, उसके बाद आप इसको यहाँ पे नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑटोमेटिक। अभी जो है हमारा वो सॉफ्टवेयर चल रहा है, और यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो स्पीड आ गई है जी, ये हमारी स्पीड है जी टोटल, और यहाँ पर आ रही है जी 4163 हैशेज। अगर हम इसको चेक करते हैं ना जी दोस्तों, स्टार्ट पे जाएंगे और यहाँ पर ये मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ CPU के लिए, तो तकरीबन बनते हैं जी बहरहाल 4100 जी। तो CPU से हम सिर्फ इतनी ही माइनिंग कर सकते हैं, क्योंकि CPU में जो अभी फ़िलहाल मैं माइनिंग कर रहा हूँ तो हमें जो स्पीड मिल रही है CPU से वो यही स्पीड है, यानी 4100, ठीक है।
और हम इतनी ही माइनिंग कर सकते हैं। तो इसको मैं फ़िलहाल करता हूँ जी बंद, और हम चलते हैं जी अपने जीपीयू के पास, और जीपीयू से हम माइनिंग शुरू करते हैं जी। इसको मैंने स्टॉप कर दिया है, और हम क्या करते हैं जी, ओपन करते हैं जी अपना फोल्डर। और जी तो यहाँ पर है जी हमारे पास ये जीपीयू। अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर है आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है जी, एडिट के ऊपर जाना है, और इसी तरह आपने इसको एडिट कर लेना है। यहाँ पर आपने अपना डालना है वॉलेट एड्रेस, और यहाँ पर अपने डालना है वर्कर नेम, ठीक है। आसान सा तरीकाकार है। और यहाँ पर हमने जो पूल यूज़ किया है वो एशिया का किया हुआ है, वो दूसरा पूल था यूएस का, ठीक है। पर आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, तो बस आपने इसको डाउनलोड करना है, और ये अपना वॉलेट डालना, वर्कर नेम डालना है, और आपने बस सिंपल डबल क्लिक करना है जी। तो हमारी माइनिंग हो गई है स्टार्ट, और आपने इस तरह विंडो आएगी, इसको आपने अलाउ कर देना है। और अभी देखते हैं हमारी स्पीड कितनी आती है। अभी जो है मैं फ़ैन की जो स्पीड है वो भी अप कर दूं, क्योंकि फ़ैन की जो स्पीड है वो बिल्कुल मैंने स्लो की हुई है जी। यहाँ पर मैंने अपनी सेटिंग जो है वो अप्लाई कर दी है जी। हमारी जो स्पीड है वो आ गई है जी 29.29.3, ठीक है। अभी हम इसको सर्च करते हैं जी कितने कॉइन बनेंगे। वैसे तो मैंने पहले भी आपको बता दिया है, लेकिन हम दोबारा देखते हैं जी। हम आएंगे इस पूल पर, और यहाँ पर जी 29 जी हमारे 10 बन रहे हैं, 10 से ऊपर है थोड़ा, लेकिन वो 30 थे तो बन रहे थे हमारे जी 11 जी। यानी तकरीबन हमारे 10 से 11 कोइन माइन हो रहे हैं मंथली। अगर आपके पास 200 रिग है तो 175, क्योंकि अगर आपके पास इतनी स्पीड है तो फिर इतनी आएगी। अगर आपके पास जैसा कि 180, सॉरी जी 66, अच्छा 66 बन रहे हैं ना। अब हम 66 को देखते हैं जी कितने का, महीने में कितने यानी कि हमें मिल जाएंगे जी डॉलर। पेस्ट किया जरब 66 जी, 157 डॉलर। अगर आप रिग चलाते हैं तो आपका 70 डॉलर का तकरीबन बिजली का बिल होगा, और बाकी आपको पैसे बच जाएंगे जी, ठीक है। बाकी आप यानी ये कॉइन स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आप बिजली का बिल अपनी जेब से भर लेते हैं तो वो भी ठीक है। सेम दोस्तों वही तरीकाकार है। आपने करना क्या है जी, यहाँ से एड्रेस लेना है। एड्रेस आपने यहाँ से कॉपी किया, और आपने जाना है जी यहाँ पे, और सर्च के ऊपर आपने क्लिक करना है। हमारा जो माइनर है जी यहाँ पर देखें एक्टिव हो गया है, जकरिया क्वांटम के नाम से 29 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड है, और यहाँ पर हमारा जो माइनर है थोड़ी और देर में ये यानी यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जी हमारे पास ये स्पीड हमें मिल रही है। तो दोस्तों जो तीसरा तरीकाकार है वो भी मैं आपको बता दूँ, वो है जी सिंपल माइनिंग का। आपने सीधा जाना है जी ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन में, और ऐड ग्रुप, और ऐड ग्रुप से दोस्तों आपने जाना है जी क्लेम और ETH यूज़ पर क्लिक करना है। इसको डिलीट करना है आपने, और जो इसमें कोड होगा ना जी, यहाँ पर ये वाली फाइल जो है GPU रिग वाली, यहाँ से आपने जी इसको, सॉरी ये मैं डिलीट करना भूल गया हूँ, इसको करते हैं जी वॉलेट को डिलीट। तो यहाँ पर थोड़ा अपडेट कर लेते हैं जी। तो यहाँ पर हो गया है जी अपडेट, और यहाँ पर तो मैंने अपडेट कर दिया है कोड, देखें। यहाँ पर आपने अपना एड्रेस डालना है जी वॉलेट का, और यहाँ पर आपने अपना वर्कर नेम डालना है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है, और यहाँ पर आके जी आपने पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर आपने इसका नाम डाल देना है जी, जैसे कि QTUM एड ग्रुप। तो यहाँ पर हमारा जी ये ग्रुप बन चुका है। आपने ना रिग लिस्ट पे दोस्तों यहाँ पर आके आपने अपने जो है आपका जो रिग है उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आना है जी ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जाएंगे वो वाला जो ग्रुप है
क्वांटम वाला, उसको सिलेक्ट करके आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, जो आपका रिग जो है वो रीलोड हो जाएगा और माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब हम दोबारा पूल पे आ जाते हैं जी। जी यहाँ पर देखें हमारी जो माइनिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं आया क्योंकि इतनी जल्दी आएगा भी नहीं, तो 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह आप अपने सीपीयू, जीपीयू और जीपीयू रिग से माइनिंग कर सकते हैं, अगर आप लैपटॉप से करना चाहें। अगर आपके पास अच्छा लैपटॉप है, सीपीयू अच्छा है, तब भी ठीक है, लेकिन वैसे मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप लैपटॉप मत यूज़ करें क्योंकि लैपटॉप ख़राब भी हो सकता है। बाकी अगर आपके पास पीसी कंप्यूटर है, सीपीयू अच्छा लगा हुआ है, तो आप माइनिंग कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है आप जीपीयू से माइनिंग करें अगर आपके पीसी में जीपीयू लगा हुआ है। तो बेशक आपके पास जीपीयू एनवीडिया का हो या एएमडी का हो, ये सॉफ्टवेयर दोनों के ऊपर चलेगा, इसीलिए मैं इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। तो जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आप भी मुझे बता सकते हैं अगर कोई कॉइन आपकी पसंद का हो जिसको आप माइन करना चाहते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो दोस्तों हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज़।